तो गाइस झंडा लेने आए थे और पोपट हो गया। झंडा का महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 120 रुपया दूध। तो यो व्हाट्सअप ऑल गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडे इज 15th of August, मतलब कि क्या है, इंडिपेंडेंस डे। अभी तो फिलहाल सुबह सुबह उठे हैं, अभी हम लोग जाने वाले हैं एक तिरंगा लेने भारत का, और उसके बाद उसको ला के अपने छत पे लगाएंगे, क्योंकि चारों तरफ सबने लगा दिया बट हमने अभी तक नहीं लगाया है, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठा था इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मैंने तो ऐसे अलार्म लगा के सोया था बट नहीं बजा तो क्या करूँगा। तो अभी गाइस जाते हैं मार्केट और तिरंगा लेके आते। तो गाइस झंडा लेने आए थे और पोपट हो गया। झंडा का महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 120 रुपया, 200, 500 ऐसे है झगड़ा के दाम। हाँ, ये झंडा ज़्यादा से ज़्यादा इसका वैल्यू होगा 50 रुपया, मतलब उस तरीके से दाम के वैल्यू से क्या। तो गाइस तीन चार दुकान घूमने के बाद, एक मिनट गाइस बहुत धूप आ रहा है ऊपर से। तो गाइस तीन चार दुकान घूमने के बाद ना मैंने अपना तिरंगा ले ही लिया। वो लोग तो दाम बढ़ाए हुए थे, मतलब कि अपने देश के नाम पे लूट रहा था सबको, क्या समझे, इसीलिए मैंने नहीं लिया था। बस एक दुकान वाले पे के पास गया जो जानता था हमें, तो उसके पास भी ये वाले झंडे का मैंने पूछा तो उसने बोला कितना, 150 रुपया, ठीक है ना, 150 रुपया बोला, बट हमने लिया है इसे 80 रुपये में। तो काफ़ी ज़्यादा उससे बातचीत करने के बाद, दाम कम करवाने के बाद, वो हमें ये झंडा दिया। और कुछ मैंने यूट्यूब पे भी देख लिया है कि कैसे लगाया, ऐसे तो मुझे आता था लगाना बट कोई भी गलती नहीं हो सकता, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बवंडर हो जाता है ना, देश के साथ कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने YouTube पे भी देख लिया। गाइस आंख बंद हो रहा है, सामने से धूप आ रहा है, तो अभी लगाते। फिलहाल हमारे इलाके में सब लगाए हुए हैं लेकिन हम सबसे ऊपर लगाएंगे, देख लेना। इधर है और उधर साइड भी लगा हुआ है, अभी तो इधर पेड़ है इसीलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी का इतना ऊपर नहीं है जितना ऊपर अभी हम लगाने वाले हैं। दूर से दिखेगा मेरा वाला, देखते आप, तीनों छत पे है झंडा। तो गाइस फाइनली हमारा झंडा भी अब लहरा रहा है पूरे सबकी तरह, देख सकते हो, और ये पूरे इलाके में हमारा झंडा सबसे ऊपर है, मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं लेकिन सबसे ऊपर है और सबसे बड़ा, देख सकते हैं। इसको जो हनुमान जी का जो बनता है हमारे इधर, उसी में लगाए हैं अपने देश के झंडे को, बजरंगबली के साथ। तो जय श्री राम का नारा लगा के जय हिंदुस्तान कीजिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो गाइस फाइनली हमने भी अपने छत पे तिरंगा लगा लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे इलाके का सबसे ऊँचा तिरंगा जो हमारे छत पर ही है, देख सकते हैं आपको। और कुछ गलती बोल दिए होंगे या कुछ गलत, तो उसके लिए हमें माफ़। तो है गाइस अभी हमारा एक पार्सल आया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी मैं तिरंगा लगाने के बाद छत से आया ही था कि ये पार्सल आ गया, तो अभी इसको अनबॉक्स करेंगे, क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि इसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी था फ्लिपकार्ट का। तो जब फ्लिपकार्ट वाले ने लाया तभी खोल के हमें दिखा दिया। वैसे इसमें एक फ़ोन है, तो दिखाते हैं आपको कौन सा फ़ोन है, खोल कर क्विक अनबॉक्सिंग होगा, यही सब कुछ बातें। और आपने अगर गदर वाला हमारा ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर जाके देखिए, उसमें कैसे मैंने गदर काटा है और हमारे दोस्तों ने सब खूब नाचा था गाइस टी शर्ट खोल के सिनेमा हॉल में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा, तो ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को जाके देखना, क्या समझे। और मैंने अपने छत पे तिरंगा वगैरह भी लगा दिया है, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद का तो नारा आजकल पूरे हिंदुस्तान में लग रहा है गदर की वजह से। तो चलिए इसको पहले अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस यही रहा कुछ फ़ोन, फ़ोन का भी बॉक्स के बाहर निकालते हैं, यही है कुछ बॉक्स, देख सकते हैं सैमसंग M04। उसके बाद बॉक्स को ओपन करते हैं, बॉक्स ओपन हो जा भाई साहब जल्दी। और ये देख सकते हो गाइस कितना ख़तरनाक लग रहा है फ़ोन, इधर तो सिम इजेक्टिंग टूल दिया है और इसमें कुछ यूजर मैनुअल गाइड दिया होगा, हाँ जी गाइड दिया है और कुछ भी नहीं। और ये रहा फ़ोन, इसके बाद ये रहा चार्जर है, कितने 10 वाट का चार्जर है, फास्ट चार्जर तो इसे नहीं कह सकते हैं। और ये किस टाइप का केबल है, अच्छा टाइप सी केबल है, USB to USB टाइप सी केबल और कुछ भी नहीं। अब फ़ोन को देखते हैं, फ़ोन तो देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है। इसको मैंने एक बार ओपन कर चुका हूँ पहले, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी था फिर मतलब फ्लिपकार्ट वाले का, इसीलिए अब ओपन करते हैं बॉक्स को। आपको मेरा लाइट भी दिख रहा होगा, सैमसंग लिख दिया, अब खुल जाए सैमसंग गैलेक्सी। बट गाइस कैमरा भी ठीक ठाक ही है, मतलब 32 और 16 का है और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है इसका। तो गाइस यही सब था कुछ दिखाने को, ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, तो क्या ही दिखाते। और ये जो वीडियो है मतलब 15 अगस्त वाला, ये काफ़ी ज़्यादा लेट आया, क्योंकि हमारा जो सिम कार्ड था ना उसका बिल बन गया था काफ़ी ज़्यादा हाई, तो अभी तक रिचार्ज नहीं करवाया पापा। 3-4 दिनों में रिचार्ज करवाएंगे तो संडे या मंडे तक आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा डाट उट खाना पड़ रहा है भाई, फाड़ दिए थे इंटरनेट, क्या समझे आप। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं, तो जब वीडियो थोड़ा लेट आएगा ठीक है ना, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते फिर किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक टाटा।